दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्मोकन्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और देखिए हमारे चैनल के सभी टेक वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं टेक्मोकन्स चैनल को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद ये था कि व्हाट्सएप का जो एक नया अपडेट आया है उसमें ये एक व्हाट्सएप के जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर न्यूज़ आई है कि व्हाट्सएप ब्लैकबेरी के कुछ वर्जन्स पे और विंडोज़ पे बंद होने वाला है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि फाइनली पूरी न्यूज़ है क्या। तो ये न्यूज़ ये है कि सपोर्ट फॉर ओल्डर वर्जन सिस्टम, यानी कि पुराने जो सिस्टम है व्हाट्सएप के, जो काफ़ी आज से 4-5 साल पुराने वर्जन्स चला रहे हैं, उन पे व्हाट्सएप धीरे धीरे बंद होने वाला है। जैसा कि व्हाट्सएप ने पिछले 2016 में भी अनाउंस किया था कि व्हाट्सएप उन सभी फ़ोन्स पे बंद हो जाएगा जो पुराने वर्जन है, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया था। लेकिन नोकिया की जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो ऑलरेडी बंद, सिम्बियन 60 ऑलरेडी बंद हो चुका है। iPhone 3GS iOS 6 में भी बंद हो चुका है। Windows 7 और Android version 2.3.3 में पहले ही बंद हो चुका है। लेकिन December 31, 2017 को व्हाट्सएप ने ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के अंदर भी व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा और Windows 8 और उससे पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, जो विंडोज़ फ़ोन है उसके अंदर ये काम करना बंद कर देगा। और बाकी नोकिया 60 के पास 1 साल का टाइम है दोस्तों, और Android 2.3.7 जो वर्जन है उनके पास 3 साल का टाइम है। तो दोस्तों फाइनली ब्लैकबेरी 10 और उससे पुराने जो फ़ोन्स हैं, जिन फ़ोन्स के अंदर ये उनके जो ऐप के वर्जन है वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो उनके अंदर फाइनली व्हाट्सअप 5-7 दिन बाद 31 दिसंबर तक बंद हो जाएगा। तो अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आप जल्दी से इस व्हाट्सएप को अपडेट ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप विंडो फ़ोन यूज़र हैं, विंडो फ़ोन 8 या उससे लोअर वर्जन यूज़ करते हैं, तो आप भी व्हाट्सएप जो फ़ोन है आपका, आप उसको ज़रूर अपडेट कर लीजिए, नया फ़ोन ले लीजिए, नहीं तो आपको व्हाट्सएप बिल्कुल चला नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसा कि यहाँ नीचे नोट्स में लिखा हुआ है कि जो इनके व्हाट्सएप के डेवलपर है ये इसको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि जो इतने पुराने वर्जन्स हैं, क्योंकि उन फ़ोन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो व्हाट्सएप को चला पाएँ, व्हाट्सएप के लोड ले पाएँ। तो और इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप को जो नया अपग्रेड वर्जन आएगा आप उसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं। और अब आप देखना चाहेंगे कि अगर वह आपके फ़ोन का वर्जन कौन सा है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाएंगे तो आप अपने अबाउट फ़ोन में जाएंगे, तो जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरा Redmi 4 है 7.1.2, तो ये इसका लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।